गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं भिंडी की सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ, वो भी कुकर में। मेरे कलीग्स जो हैं उनको मैंने बताया था कि मैं कुकर में सूखी सब्जी बना लेती हूँ भिंडी की, उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, ये भिंडी है, ये प्याज है, ये हरी मिर्ची है और ये है ज़ीरा। मैं मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ, सूखी सब्ज़ी में वैसे ज़्यादातर डालना भी नहीं चाहिए, कुछ लोगों को पसंद है। मेरे पतिदेव को बहुत हर चीज़ में मसाला चाहिए। और ये देखिए, ये मैं एक चम्मच तेल डाल रही हूँ, सरसों का तेल, बस थोड़ा सा, एक चम्मच से सवा चम्मच तेल, तेल भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो ये मैंने तेल डाला और तेल डालने के बाद अब मैं ज़ीरे को इसमें डालूंगी। जब ये चिटकने लगेगा तब इसमें मैं हरी मिर्ची डालूंगी। ये देखिए, मैंने हरी मिर्ची डाला। और इसे थोड़ा सा चलाऊंगी। अब इसको मैंने धोया नहीं था, अभी मैंने कढ़ी बनाई थी बेसन की, वो लगा हुआ है मेरे ये छोलनी में। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसमें प्याज डाल के थोड़ा इसको कल्हारूंगी, भूनूंगी नहीं, कल्हारूंगी। देखिए, ये है, इसको थोड़ा सा कल्हार लिया जाए। थोड़ा सा आँच को मैंने तेज किया, प्लेट में मैंने नमक नहीं डाला था, नमक भी डालना जाएगा स्वाद के अनुसार। नमक भी मैं हल्का खाती हूँ। अभी ये थोड़ा सा खुशबू आने लगी इसमें से भूनने की, कल्हार लिया गया इसको। अब इसमें मैं भिंडी डालूँगी। देखिए, थोड़ा सा मोटा ही काटा है, महीन महीन नहीं काटा है। ये भिंडी डाल दिया मैंने, थोड़ा सा इसको भी कल्हारने की ज़रूरत है। कल्हारना मतलब कि थोड़ा सा भून लेना। लग रहा है ये, इसको मैंने इंडक्शन पे बनाया है आज। और भिंडी एकदम ताज़ा है, इसमें थोड़ा पानी छोड़ रहा है। थोड़ा सा इसे भूनने के बाद आप इसे देख सकते हैं, देखिए इसकी शक्ल कैसी लग रही है। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाला जाएगा, ठीक है।
इसमें नमक स्वाद के अनुसार, ये सेंधा नमक है, मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ। आज रविवार है इसलिए इत्मीनान से खाना बन रहा है। कढ़ी बनाया, भिंडी की भुजिया बनेगी, बन गई है, सूखी सब्जी हो गई है। अब इसको बस ये लगभग हो आया, अब इसको बंद कर दिया जाएगा। बंद हो गया, अब इसमें थोड़ा सा स्टीम उठने देंगे। जब तक स्टीम उठे तब तक आप देखिए आज संडे में कैसे मेरी शक्ल दिखी। मैंने ये बेसन का उपयोग किया है, बेसन का उपटन लगाया है, और थोड़ी देर में अब ये बना के मैं नहा लूँगी, नहाते इसको साफ करके नहा लूँगी। अब मैं कुकर को खोलने की कोशिश करती हूँ, मेरी सब्ज़ी हो गई होगी। स्टीम पकड़ रहा है, थोड़ा सा सीटी नहीं देना है वरना सब्जी हलवा हो जाएगा। अब ये सब्जी मेरी हो गई। मैं इसे खोल के दिखाती हूँ, देखिए ये भाग निकल गया। ये मेरी सब्जी हो गई है। अगर आप लोग को इसमें पानी डाल के पसंद है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको रसेदार भी बना सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ी देर इसी तरह से बंद कर दूंगी, थोड़ा सा और पक जाएगा ये और सब्जी मेरी तैयार हो गई है ना। क्विक मेथड, लोग विश्वास नहीं करते। देखिए मैंने बना डाला ना, बन गई मेरी सब्जी। और कुछ कुछ रेसिपी जो होती है दिमाग में आता है तो मैं उसको बना के आपके सामने पेश करूँगी। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। अब मैं रोज़मर्रा की तैयारी, मतलब नहाना धोना, कपड़े धोना, अपने आप को तैयार करना, ये करूँगी। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए।